मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में स्थित लक्ष्यधाम हाई स्कूल में आयोजित प्रोफेसर जिगोरो कानो इन्विटेशनल मुंबई जुडो चैंपियनशिप 2023 हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के जुडो खिलाड़ियों ने कुल 33 मेडल जीते हैं और जिसमें 24 गोल्ड मेडलों का समावेश है। बीते 19 और 20 अगस्त को मुंबई में आयोजित जूडो चैंपियनशिप स्पर्धा में दिग्रस शहर के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के 39 जूडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और खास बात यह है कि इन 39 में से 33 जूडो खिलाड़ियों ने मेडल्स हासिल कर दिग्रस शहर के लिए एक तरह से एक नया कीर्तिमान रच दिया है। मुंबई में आयोजित दो दिवसीय जूडो स्पर्धा में दिग्रस शहर के खिलाड़ियों ने कुल 24 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल अपने नाम किए हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक अर्श बालापुरे भी है, जिसने अंडर 12 आयु गुट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अर्श बालापुरे विद्या भारती स्कूल का छात्र है जो कक्षा 6 में पढ़ता है। अर्श की इस उपलब्धि पर न सिर्फ उसके परिजन, शिक्षक बल्कि समस्त मुस्लिम गौली बिरादरी और शहरवासियों ने भी दिग्रस शहर में पहुंचे अर्श का खुशी और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अर्श को फूल मालाएं पहनाई। इस मौके पर समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों ने उसका स्वागत कर उसे दुआएं दी और उसे शुभकामनाएं भी पेश की है। 19 अगस्त को महाराष्ट्र एसोसिएशन जूडो की ओर से मुंबई में जो टूर्नामेंट हुए, उस टूर्नामेंट में हर्ष बालापुरे इसने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, उस गोल्ड मेडल हासिल करने पे इसे सम्मानित करा गया। उस सम्मानित के लिए इसका सत्कार और उससे जो समाज की ओर से और सभी मित्रजनों की ओर से उसका जो उसको प्रोत्साहन आगे भी प्रोत्साहन मिले, इसके हिसाब से उसका जो सत्कार कर रहे हैं, उस सत्कार के लिए आगे बच्चे का हौसला अफजाई के लिए हम सब लोग। दिग्रस शहर हमेशा से ही खेल की दुनिया में छाया रहा है। एक जमाने में कभी दिग्रस के खिलाड़ियों ने कबड्डी में अपना लोहा मनवाया था, अब लगता है जैसे जूडो के खेल में दिग्रस के खिलाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। इस उपलब्धि के लिए निश्चित ही जूडो के प्रमुख कोच डॉक्टर रवि भूषण कदम सर, खेल शिक्षक फैजान शेख और अन्य सभी सहयोगी खेल शिक्षकों का बड़ा योगदान है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।